Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to take one chart revision of a chapter named Silk Road. So this is of class 11th taken from the book Hornbill. आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइटर है इनके इस चैप्टर के जो राइटर का नाम है वो है निक मिडलटन. सो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो ऑथर के बारे में ही है, ऑथर की जर्नी के बारे में ही है. आप ये स्केच देख सकते हो, दिस इज ऑफ माउंट कैलाश. तो ऑथर क्या करने वाले हैं, वो इस माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करेंगे. कोरा समझते हो ना, रिवोल्यूशन, चक्कर काटते हैं किसी भी होली प्लेस के, तो दैट इज नोन एज कोरा. तो माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करेंगे. सो किस तरीके से उन्होंने अपना ये पूरा कोरा कंप्लीट किया, क्या क्या उनको इश्यूज आए, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, सो दैट इज सम हाउ वी आर गोइंग टू लर्न हियर. तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर में वन शॉर्ट रिविजन में क्या क्या दिया गया है, बिकॉज चैप्टर तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, दैट दिस इज अ चैप्टर अबाउट ऑथर्स जर्नी विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू टू माउंट कैलाश. दिस जर्नी वॉज टू कम्प्लीट द कोरा ऑफ माउंट कैलाश. सो हियर वी विल गेट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी. द मेन एम ऑफ द जर्नी वॉज रिलीजियस बाय द वे. सो बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है, ये जो सिल्क रोड चैप्टर है ये ऑथर की जर्नी को बताएगा. एंड दिस जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्लोप ऑफ रावू. रावू की जो हिल्स हैं वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है. दिस जर्नी वॉज टू कम्प्लीट द कोरा ऑफ माउंट कैलाश. ये जर्नी किस चीज़ के बारे में है, माउंट कैलाश का कोरा कम्प्लीट करने के बारे में. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि ऑथर ने किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस लिए इन दैट जर्नी. और इस स्टोरी का मेन एम बेसिकली किसी तरह का कोई आपको मॉरल देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये जर्नी है एक रिलीजियस जर्नी. तो इस रिलीजियस जर्नी में किस तरह के एक्सपीरियंसेस को लोग फेस करते हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन कर रहे हैं. द ऑथर विशेस टू कम्प्लीट द जर्नी टू माउंट कैलाश. ऑथर चाहते थे कि वो ये जर्नी अच्छे से कम्प्लीट करें. उन्होंने आज तक जब इसकी जर्नी करी थी तो ये कभी भी इसको कम्प्लीट नहीं कर पाए थे. सो ही वॉन्टेड इट वंस कि किसी तरीके से वो उसको कम्प्लीट कर लें. दस इन ऑर्डर टू एम्बार्क ऑन हिज पिलग्रिमेज जर्नी ही चोजेज अ टफ वन. इसी वजह से वो क्या करना चाहते थे, वो इस पिलग्रिमेज जर्नी को कंप्लीट करना चाहते थे या कोरा कंप्लीट करना चाहते थे. तो वो चाहते थे कि मतलब बेसिकली बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से वो उस जर्नी को कंप्लीट करें और काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस भी करें अपने रास्ते में, और वो उस चीज़ को याद भी करें, नोटिस भी करें. तो उन्होंने एक टफ रास्ता चुना. कांगशुंग वाला जो फेस है ना वो. Further, the author hires Sitan and takes along Daniel as an acquaintance to Darchin. तो जब author Darchin की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने साथ ही लिए दो. acquaintance का मतलब होता है someone who's known to you, जो आपकी जान पहचान का होता है. तो author ने क्या किया, दो लोगों को अपने साथ लिया. पहला तो Sitan था और दूसरा था Daniel. Sitan गाड़ी चला रहा था और Daniel उनका एक दोस्त था जिसको रास्ते में ही उतरना था. Consequently, we learn about this journey and his experience through the Silk Road. तो इन लोगों ने जो रास्ता चुना था माउंट कैलाश तक जाने का, वो सिल्क रोड का रास्ता था. तो ऑथर बताते हैं कि किस तरीके का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने माउंट कैलाश की जर्नी के लिए फेस किया, या जो सिल्क रोड थी उस पर चलने पे उनको किस किस तरह की डिफिकल्टीज हुई, या किस तरीके से उन्होंने उस जर्नी को कम्प्लीट किया इस रोड पर. ही साइट्स, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि जो पीपल हैं हिली एरियाज में वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. मतलब जो लोग हिली एरियाज पे रहते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही कमज़ोर दिल के होते हैं, या बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही अच्छे से वो आपको वेलकम करते हैं. द ऑथर गोज ऑन टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ लेक मानसरोवर एंड Darchin. तो ऑथर कहते हैं Darchin नाम की जगह और जो मानसरोवर लेक है ये बहुत ही सुंदर जगहें हैं जब आप सिल्क रोड के थ्रू गुजरते हो तो, और इनकी सुंदरता का तो क्या कहना, बहुत ही प्यारी हैं ये. ऑथर कहते हैं कि मैंने कई सारे लोगों को अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हुए देखा है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है, लेक सरोवर की ब्यूटी को मेंशन किया है, Darchin की ब्यूटी को मेंशन किया है. अब लेक सरोवर आप सोच रहे होगे ना, तो एक झील टाइप की है, पानी है खूब सारा, पत्थरों के बीच में, तो बहुत सुंदर लगती होगी. बट आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि ऑथर जिस जगह को इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बता रहे हैं वो एक्चुअली में उतनी सुंदर निकली नहीं. Moreover, he faces a lot of hurdles but is able to complete his pilgrimage due to his undeterred belief. Undeterred का मतलब है he was determined. उनकी will power बहुत strong थी. He was too sure कि उन्हें इस रास्ते को complete करना है, ये journey complete करनी है.
ऑल्दो बहुत कम लोग हैं जो आपको माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत टफ होता है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. बट ऑथर जो थे वो अनडिटर्ड थे, उन्हें यह था कि वो इस जर्नी को कम्प्लीट कर लेंगे. सो उन्होंने इस जर्नी को कम्प्लीट किया. हालांकि उनको इस जर्नी को कम्प्लीट करने में बहुत सारे हर्डल्स यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. द ऑथर ऑफ द स्टोरी निक मिडलटन डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू माउंट कैलाश इन सिल्क रोड. इन ऑर्डर टू कम्प्लीट हिज कोरा द ऑथर विशेज टू विजिट माउंट कैलाश. अब ऑथर कहाँ जा रहे हैं? माउंट कैलाश जा रहे हैं. अब वो माउंट कैलाश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना कोरा कंप्लीट करना है. कोरा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी होली प्लेस का एक चक्कर काटते हो, एक रिवोल्यूशन लेते हो, जैसे अर्थ क्या करती है, सन का रिवोल्यूशन लेती है ना, वैसे ही अगर आप किसी होली प्लेस का रिवोल्यूशन लेते हो ना, दैट इज नोन एज कोरा. तो ऑथर, क्योंकि माउंट कैलाश एक बहुत ही पायस जगह मानी जाती है, तो लोग यहाँ का अक्सर कोरा करते हैं. दस ही हायर शैतान सो दैट ही गेट समवन फॉर ड्राइविंग हिम अप टू द माउंटेन. अब ऑथर तो उतने फाइन नहीं है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने के, तो वो एक बंदे को हायर करते हैं जिसका नाम है सितान. सितान ड्राइवर है बेसिकली. व्हाइल ही वाज पार्टिंग विद लामो ही रिसीव अ लॉन्ग स्लीव्ड शीपस्किन कोट फ्रॉम वन ऑफ हर एक्वेंटेंस. इन ऑर्डर टू गेट कंपेनियनशिप द ऑथर टेक्स डैनियल विद हिम टिल डार्चिन. तो जब ये लामो नामक जगह से निकल रहे थे, तो इनको किसी ने, इनकी कोई जान पहचान का कोई बंदा था, उसने इनको एक कोट ला करके दिया. एंड दैट कोट वॉज मेड अप ऑफ शीप स्किन. तो एक कोट था जो कि शीप की स्किन से बना हुआ था, वो इंसान को ठंड से बचाने के लिए होता है. तो वो लंबा चौड़ा कोट जो कि शीप की स्किन से बना हुआ था, वो कोट उसे किसी ने ला के दिया था, उनकी जान पहचान के एक बंदे ने, एक लेडी ने. और वो कोट ये पहन करके जाने वाले थे माउंट कैलाश. तो बेसिकली उनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो रास्ते में अकेले हो जाएं और अकेला फील करें, तो उन्होंने एक पर्सन को ले लिया था अपने साथ, दैट वाज डैनियल, ताकि वो बोर ना हो और उन्हें बोरियत महसूस ना हो. तो डार्चिन तक उनका सफ़र डैनियल के साथ हुआ. सितान तो गाड़ी चला ही रहा था, सितान तो आगे तक जाने ही वाला था, बट डार्चिन तक जाने के लिए डैनियल भी उनके पास ही था. ऑन स्टार्टिंग द जर्नी सितान टेक्स अ शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट विच इज अ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश. अब जब इनकी जर्नी शुरू हुई, सितान ने शॉर्टकट लिया. अब शॉर्टकट कौन सा था? साउथ वेस्ट की तरफ, जो कि माउंट कैलाश के लिए डायरेक्ट रूट था. अब लंबा घूम करके जाना इज नॉट अ गुड थिंग, इससे बेटर है कि कम टाइम में आप आराम से जर्नी कंप्लीट कर लो. इन ऑर्डर टू रीच देअर डेस्टिनेशन दे वुड हैव टू क्रॉस द हाई माउंटेन पासिस. अब अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत गहरी गहरी चढ़ाइयाँ हैं, बहुत स्टीप माउंटेन्स हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप इन जगहों पर जाओ, माउंट कैलाश जैसी जगह पर जाओ, तो आपको बहुत लंबे लंबे माउंटेन क्रॉस करने पड़ेंगे. ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा. सिदान गिव्स देम एश्योरेंस दैट ड्यू टू लैक ऑफ स्नो इट वुड बी ईजी टू डू सो. अब सिदान एक तसल्ली देता है यहाँ पर ऑथर को, कहता है देखिए बर्फ होती है तो फिसलन ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि बर्फ नहीं है, ये वो टाइम नहीं है कि बर्फबारी हो रही हो, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा इस रास्ते को कंप्लीट करना. ऑन द वे यानी कि रास्ते में दे क्रॉस थ्रू अ स्मॉल नंबर ऑफ गैजल्स, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस एंड शेफर्ड्स दैट वर टेंडिंग द फ्लॉक्स. फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड. टेंडिंग का मतलब क्या होता है? हका रहे थे. शेफर्ड्स का मतलब क्या है? चरवाहे. एसेस गधों को बोलते हैं, और गेजल्स आपके ये जो आप देख रहे हो ना, बारहसिंगी टाइप के होते हैं, राइट? ये घोड़े की जो छोटी वाली प्रजाति होती है, एक ब्रीड होती है, उसको बोला जाता है. ये हाइट में थोड़े कम होते हैं. तो जब ये लोग रास्ते में थे, तो उन्होंने तरह तरह के नज़ारे देखे, जानवर अलग अलग टाइप के देखे. कौन कौन से जानवर थे? इनको कई सारे घोड़े आते हुए दिखाई दिए रास्ते में, इन्हें कुछ गधे दिखाई दिए, और साथ ही साथ में इन्हें शेफर्ड दिखाई दिए, चरवाहे, जो कि बहुत ही फमिलियर थे, बहुत सोशल थे, और बहुत ही एक होता नहीं है अच्छा बिहेवियर करने वाले थे, तो बहुत ही फ्रेंडली दिखाई दे रहे थे, वो एमिएबल थे. तो शेफर्ड्स क्या कर रहे थे? अपनी जो भेड़ बकरियां थी उनको चरा रहे थे, और वो हाय हेलो भी कर रहे थे दूर से ही. व्हेन दे रीच द हिल, जब ये लोग हिल पहुंचे, दे नोटिस डार्क टेंट्स, दे लर्न दे वर नोमैड्स क्यूब्स. क्यूब्स मतलब हाउसेस. सो आपको पता चलेगा कि जब ये लोग रास्ते में जा रहे थे, जब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो उन्होंने डार्क कलर के, ब्लैक कलर के टेंट्स लगे हुए देखे. बंजारे होते हैं ना, ये उनके टेंट्स थे, जिनके पास घर नहीं होता, तो वो टेंट लगा करके घरों में रहते हैं. तो उन डार्क टेंट्स में नोमैड्स रहते थे, और उसके बाद उन टेंट्स के बाहर इन्होंने तिब्बतन मास्टिव्स भी देखे. दे आर डॉग्स. तिब्बतन मास्टिव्स आर डॉग्स.
गार्डिंग द टेंट्स. और वो क्या कर रहे थे, वो उन टेंट्स को गार्ड कर रहे थे कि कोई भी उन टेंट्स के पास आता है चोरी करने, चकारी करने या मारपीट करने, तो कुत्ते उनकी तरफ हिट करेंगे. और बताया जा रहा है ये जो डॉग्स थे, इनके जो जॉस थे यानी कि जबड़े थे, वो बहुत बड़े बड़े थे और उनके दांत भी बहुत बड़े बड़े थे. वो लोगों का पीछा बहुत तेज़ी से करते थे और अगर कोई भी किसी भी तरह का हार्म पहुंचाना चलता वहाँ पर तो वो दूर तक भगाते थे कि देखो तो यहाँ पे आके तो देखो. सो बेसिकली दे वर टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन टेंट्स. अपॉन एंटरिंग द वैली, जैसे ही ये लोग घाटी के अंदर एंटर करें, दे विटनेस माउंटेन्स एंड रिवर्स कवर्ड इन स्नो एंड आइस. तो इन्होंने क्या देखा, घाटी में जो पहाड़ हैं, जो रिवर्स हैं, वो पूरी जमी हुई है बर्फ से. क्यों? क्योंकि वहां पे काफी सारी बर्फ थी. द राइड ऑन द हिल स्टार्ट्स टर्निंग स्टीपर एंड फुल ऑफ बम्प्स. अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये जो जर्नी थी ना वो बहुत ही स्टीपर होती जा रही थी, मतलब बहुत शार्प शार्प टेंट्स थे उसमें, शार्प मूव्स थे. अब पहाड़ देखा है ना आपने, ऊपर जाते जाते नुकीला होता जाता है, राइट? तो खड़ी चढ़ाई हो या खड़े खड़े नीचे उतरना हो आपको, तो दैट इज नोन एज स्टीपर. और वहाँ पे बम्स भी बहुत सारे थे, मतलब बीच बीच में आइस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी जिसके ऊपर चढ़ना तो खड़बड़ खड़बड़ गाड़ी हो रही थी. एज दे रीच्ड हायर, जैसे जैसे वो लोग ऊपर पहुँच रहे थे, ऑथर ये महसूस कर पा रहे थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है. जब आप ऊपर जाते हो ना तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ही दिक्कत करता है, आपके कान सुन होने लगेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, सीटी जैसी आवाज़ बजेगी, राइट? एंड नोटिस दे वर एट 5,210 मीटर्स अबव द सी लेवल. तब इनको यहाँ पर क्या महसूस हुआ, ओ ये लोग 5,210 मीटर ऊपर आ गए हैं सी लेवल के. आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट ऑब्स्टिकल ऑफ स्नो फील्ड रोड्स दे वर ऑन एंड अबाउट. तो पहला जो इनके रास्ते में ऑब्स्टिकल आया वो था एक स्नो का हर्डल, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने जैसे तैसे उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाई. उसके बाद उन्हें रास्ते में और भी हर्डल्स मिले, बट ठीक था, उन्होंने जैसे तैसे करके उन हर्डल्स को पार किया. द ऑथर स्टार्ट फीलिंग अनइजी ड्यू टू द हाइट एंड प्रेशर. जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ऑथर को अनइजीनेस होने लगी थी, उनको चक्कर आने लगे थे, उनको घबराहट हो रही थी, वो परेशान हो रहे थे. एट अराउंड 2 o'clock दे स्टॉप एट अ प्लेस फॉर लंच. पर लगभग 2 बजे होंगे, 2 बजे के आसपास इनको लगा कि अरे भूख बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, तो चलो कुछ खा लेते हैं. फाइनली दे रीच अ स्मॉल टाउन होर. फिर ये एक होर नाम की जगह पहुंचे शाम के टाइम पे. द ऑथर टुक अ ब्रेक इन होर. ऑथर ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया और होर में एंड सैट एट द लोकल कैफे टू हैव अ टी. और उनको चाय पीनी थी तो वो एक लोकल कैफे चले गए यहाँ होर में, और वो होर का एक लौता कैफे था, मतलब और कोई वहाँ पे कैफे ही नहीं है जहाँ पे चाय मिलती हो. ड्यूरिंग दिस टाइम शैतान गॉट द कार फिक्स्ड एंड डेनियल लेफ्ट फॉर ल्हासा. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लासा के लिए निकल गया था डेनियल और शैतान जो था वो गाड़ी ठीक कर रहा था. मतलब डेनियल अब यहाँ पे से इनसे अलग होने वाला था, वो लासा के लिए मूव करने वाला था और जो ऑथर थे वो माउंट कैलाश के लिए जाने वाले थे. और यहीं पर ही उनका जो ड्राइवर था शैतान, उसको पता था कि गाड़ी ख़राब हो रही है तो उसको ठीक कर लिया जाए. ऑथर को होट अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ का मौसम, वहाँ का जो हुलिया था वो बहुत ही बेकार और बहुत ही गंदा था. टू कॉन्टिन्यू विद द जर्नी, अपनी जर्नी वापस करने के लिए दे स्टे द नाइट एट अ गेस्ट हाउस इन डार्चिन. तो डार्चिन में एक गेस्ट हाउस था जहां पर इन्होंने एक रात का स्टे लिया, एक रात के लिए ये रुक गए. वी सी हाउ ही सफर्स फ्रॉम नोज कंजेस्शन. अब जब वहां पर वो रात में रुके तो ठंड की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको प्रॉपरली ब्रीद नहीं हो पा रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, क्योंकि जब आप एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उनको नोज कंजेस्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, ऑल्दो ये इस चीज़ से वो हमेशा से ही सफ़र किए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, घुटन सी हो रही थी, नाक बंद हो गई थी, उनकी नाक ब्लॉक हो गई थी. तो फिर वो जाते हैं तिब्बतन डॉक्टर के पास एंड रिसीव अ 5-day कोर्स ऑफ मेडिकेशन. तो उन्हें वो गोलियाँ देते हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना वैसी मेडिसिन दी थी. और उनको लग रहा था वो जो गोल गोल गोलियाँ हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो डंक हैं बकरी का, ठीक, तो बहुत गंदी सी लग रही थी उनको, या शीप का डंक लग रही थी. Now after that he feels better and enjoys in Darchin. लेकिन फिर जब उन्होंने वो 5 दिन का मेडिकेशन लिया तो उन्हें डार्चिन अच्छा भी लगने लगा और उन्हें अब बेहतर फील हो रहा था. अब यहाँ पर उनकी मुलाकात एक और पिलग्रिम से हो गई, एक ऐसे बंदे से जो कि माउंट कैलाश जा रहा था. उसका नाम था नॉर्बू. अब नॉर्बू को बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा मोटा था, उसका पेट बाहर निकला हुआ था. डार्चिन हैड नो पिलग्रिम्स. डार्चिन में कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे. सो द ऑथर फाइंड्स रिलीफ एंड डिसाइड्स टू कम्प्लीट हिज जर्नी विद हिम. तो ऑथर को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला क्योंकि उन्हें लगा चलो कोई तो है जो मेरे साथ इस जर्नी में सहारा बनेगा, बिकॉज वो बहुत ही अकेला फील कर रहे थे.
इवेंचुअली मीन्स फाइनली दे हायर याक्स. ये नॉर्बू ने सजेस्ट किया था कि हम लोग याक्स हायर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग खुद बैग वैग लेकर के नहीं चल पाएंगे. तो जो अपना सामान था, लगेज था, लॉजिंग्स थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, याक्स हायर कर लिए. एंड नॉर्बू गेव्स अप वाइल कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल एंड विद अ ग्रेट लाफ. अब यहाँ पर जब ऑथर ने बोला कि चलो हम लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, तो नॉर्बू को दिखाया गया कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और टेबल को पीट रहा था ज़ोर ज़ोर से. नॉर्बू सेज इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम एज ही हैड अ बिग टमी. नॉर्बू कहता है कि मैं पैदल माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट नहीं कर सकता बिकॉज मेरा इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट लेकर के मैं कैसे चलूंगा. तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक टैक्टिक की. एक्चुअली लोग जब माउंट कैलाश जाते हैं ना, तो वो आप देखोगे कि लेटते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं अगले स्टेप पे, फिर खड़े होते हैं, और ऐसे ऐसे करके वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं माउंट कैलाश की. तो जब ऑथर उन्हें ये चीज़ बताते हैं, तो वो ऑथर वो कहते हैं ना 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 बाबा ना, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं नीचे बैठूंगा ऊपर आऊंगा, मैं इतना मोटा हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या लर्न किया, इस स्टोरी से हमने ये लर्न किया कि किस तरीके से ऑथर ने कौन कौन सी चीज़ें अपनी पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस करी. सो स्टोरी में वी लर्न अबाउट द ऑथर्स जर्नी थ्रू द सिल्क रोड एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पिलग्रिम्स एंड द हार्डशिप दे फेस. तो जो भी लोग माउंट कैलाश तक जाते हैं और वहाँ का कूड़ा कंप्लीट करने के लिए सोचते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, और अगर आपके अंदर वो विल पावर है, वो डिटर्मिनेशन है, तो फिर आप इन सारी चीज़ों से आगे निकल सकते हो और कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो अपनी जिंदगी में. सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वन शॉट रिविजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. At last, we have come to the end of it. My dear student, if you are really liking the session, do not forget it to like it and share it. And if you haven't subscribed our channel, please do subscribe it also. Thank you and bye-bye.